बहुत ही सत्कारयोग गुरमुखां वालों महान उपराला किया गया है कि लॉकडाउन के समय के बच्चों गुरमत के नाल जोड़ के रखन का यह बहुत ही निवेकला ते वधिया उपराला है। और बहुत ही प्यारे बच्चों, अज जिहड़ा मेरे को विशा है वह है सिख धर्म दीयां खूबियां। संसार दे विच अनेकां धर्म ने, अनेकां ही उन्हां दे अनुजाई ने, हर एक धर्म दे विच वखरियां वखरियां खूबियां ने, पर सिख धर्म दीयां की खूबियां ने जे मैं अपनी जुबान तो आखा तो फिर कहणगे कि ये एक सिख आख रहा है, एक सिख प्रचारक आख रहा है। मैं आप जी दे नाल सांझा करना चाहुंदा मिस्टर मैकालफ दा जीवन। जदों वो हिंदुस्तान दी धरती ते आया, जदों उन्हां नूं सिखां दे बारे पता लगा, एक नहीं अनेकां विद्वान ने जिन्हां दा मैं जिक्र कर सकदा, पर मैं बेनती कर रहा कि क्योंकि सब तो मूल जिहड़ा है सिख धर्म दा वो है गुरबाणी, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है वो सानू जीवन जाच बख्शिश करदी है। मिस्टर मैकालफ ने जदों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़िया विचारिया, उस तो बाद उन्होंने एक दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब एक खड़े हो के गल आखी सी कि सिखो तुहाडे बड़े वड्डे भाग दुनिया ते बहुत सारे धर्म ने, उन्होंने धर्मां दे अनुजाई भी ने, ते जिहड़ा भी संसार ते पैगंबर आया वो पैगंबर ने संसार नूं जिहड़ा उपदेश कीता एक भी शब्द अपनी कलम नाल वो लिख के नहीं गया, भाव के दुनिया के जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां विच कोई ऊणताई हो सकती है, कोई मिलावट कोई वाधा घाटा हो सकता है, पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी जिहड़ी है जिसनों बाणी दे विचों ही सानू सेध मिलदी है हूँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो, धुर की बाणी आई। मैं बेनती करना चाहुंदा कि मिस्टर मैकालफ ने सिखां नूं आख्या कि सिखो तुहाडे कोल इह जिहड़ी बाणी है तुहाडे रहबरां ने आप जिहड़ी है तुहानूं आप लिख के तैयार करके ग्रंथ रूप विच बख्शिश कीती है, ये अथेंटिक है, ये सच्ची है। और सब तो वड्डी गल है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का उपदेश जिहड़ा है उस मनुखता दे वास्ते है। ब्राह्मण खत्री वै सूद वैस उपदेश चौं वरना को सांझा, इत्थे कोई भी आण के सिक्ख्या प्राप्त करके अपनी जीवन जाच जिहड़ी है वह प्राप्त कर सकता है। दुनिया दे विच दूसरे धर्मां दे विचों सब तो वड्डी विलक्षण ये गल है कि संसार दे विच जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने वह केवल ग्रंथ ने, गुरता गद्दी ते विराजमान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सुभाग प्राप्त है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अज भी सिखां दे आगू ने। मिस्टर मैकालफ ने आख्या दुनिया दे धर्मां दी गल करिए ते अपने ओ पैगंबर दे नाल सिद्धा जुड़ नहीं सकते, पर सिखां दे वड्डे भाग ये रोज़ाना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच शरण विच आउंदे ने, रोज़ाना सिख आण के नितनेम करदे ने, अरदास करदे ने, ते फिर गुरु साहिब जी अपने गुरु प्यारे सिखां नूं मुख वाक बख्शिश करदे ने। ये खूबियां सिख धर्म दीयां खूबियां दे विचों सब तो वड्डी खूबी ये है। और नाल ही मैं बेनती करांगा कि दुनिया के धार्मिक ग्रंथां नूं जदों पढ़न का मौका मिलता है वो केवल एक धर्म की जिहड़ी है वह विचारधारा जिहड़ी वह दसदे ने, पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिथे भगतां नूं सत्कार दिता गया, वख वख जातां दे नाल संबंधित रखते सन, वख वख धर्मां दे नाल संबंधित रखते सन, भाव कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कलावा जिहड़ा है ना बहुत वड्डा है। मानस की जात सभै एक पहचान वो, ये मनुखता का धर्म है, ये विश्वव्यापी धर्म है। इस करके जदों तुसीं बाहर दी गल करदे ने, बाहरले देशां दी गल करदे आ, तो एक प्रचलित गल है कि अज बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां जिहड़े वो नास्तक हो चुके ने, वह रब नूं नहीं मनदे, वो अपने धर्मां ते कटाक्ष करदे ने। ईसाई धर्म दे विच बाइबल दे विच ऐसियां गल्लां ने जिहड़ियां झुठला दित्तियां गईआं साइंस वल्लों, मैं किसी दे धर्म ते गल नहीं कर रहा, पर उन्हां दे बच्चियां वल्लों ये गल्लां जिहड़ियां ने बार बार आउंदियां ने कि साडा जिहड़ा धार्मिक ग्रंथ जिहड़ा है इहदे विच आ ऊणताई है, धरती चपटी नहीं, जां हिंदू संस्कृति दे अनुसार धरती नूं किसी बल्द ने अपने सिंगां ते नहीं रखिया होया। गुरु नानक साहिब महाराज जी का जिहड़ा धर्म है विश्वव्यापी धर्म है, भी नवीन है और विज्ञानक धर्म है।
इस करके सानू ये भी बड़ा वड्डा माण है सिख धर्म दे विच, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी दे बोल ने पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात, लेखा होए तां लिखिए लेखे होए मनास। इत्थे एक ईश्वर की भगती की गल की गई है, एक अकाल पुरख की भगती की गल की गई है। इत्थे जिहड़ा है सारियां एक सांझा उपदेश है, ये खूबियां ने सिख धर्म दियां, और जदों दूसरे लोग ये गल करते हैं तो माण नाल साडा सिर उच्चा हुंदा है कि सिख धर्म की वडियाई जिहड़ी है वह सारे संसार विच फैल रही है, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी का जिहड़ा धर्म है वह सच ते खड़ा होया। बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। गुरु नानक साहब महाराज जी का उपदेश जिहड़ा है वह मनुखता दे वास्ते ये माण वाली गल है, एक सिख धर्म की खूबी है। और दूसरे धर्मों के विच इस्त्री दे कई कई ब्याह हो जाते हैं, एक आदमी नू कई इस्त्रियां रखण दा अधिकार है, पर गुरु नानक साहब महाराज जी दे धर्म दे विच जिथे मनुखता दे वास्ते सांझा उपदेश है उत्थे प्यारी रहत भी दित्ती हुई है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी जिहड़ी है ना वह जीवन जाच है, इस दे आशे दे नाल असीं अपने जीवन नू उच्चा सुच्चा रखना है, असीं उच्चा सुच्चा जीवन रख के दुनिया दे अगे चलना है, क्योंकि साडे उपर एक कुंडा है, वह कुंडा है गुरबाणी का, कि असी उच्चा सुच्चा जीवन रख के उच्ची सुची विचारधारा अपना के दुनिया के असी रोल मॉडल बनना है। और एक सिख नहीं, इत्थे मैं हजारा सिखा की जिहड़ी है वह गल दस सकदा, उन्हां दी साखी उन्हां दी गवाही दस सकदा कि जिन्हां ने अपना उच्चा सुच्चा जीवन रखिया, जिहदे विच भाई कन्हैया जी जिन्हां दी बिरती बड़ी सांझी है, और वह पानी पिला रहे ने और सेवा करद्या करद्या जदों उन्हां ते सिखां ने उंगल चुकी कि महाराज ये दुश्मनां नूं भी पानी प्याल रहे ने, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भरे दरबार विच कहा भाई कन्हैया जी तुहाडी सुरत वाकई ही बड़ी उच्ची हो गई आ, बाणी नाल जुड़ के आ नाल मरम पट्टी भी लिओ। दुनिया के मनुखी अधिकारां दी गल करदे आ ते मनुखी अधिकारां दे फाउंडर ने घर धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिन्हां ने दूसरे के विश्वास वास्ते दूसरे के यकीन वास्ते अपना जिहड़ा है शरीर जिहड़ा है ठीकरा जिहड़ा है उन्होंने भन दिता सीगा। ठीकर फोर दलीस सर प्रापुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनू आन, तेग बहादुर के चलत पयो जगत में सोग, है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। तो ये खूबियां ने सिख धर्म दियां, ये अमृत वेला साढ़े कोल नितनेम की दात ये भी एक खूबी है साढ़े कोल, ये पंज ककार जिहड़े ने ये भी एक खूबी है सिख धर्म की विलखणता की। और असी कोई कर्मकांड नहीं करते, क्योंकि सानू एक रहत दिती हुई है, एक जीवन जाच दिती हुई है, एक मर्यादा दिती हुई है, सिख का इन्ना आचरण उच्चा है। ये मैं सच कह रही क्या गुरबाणी के आशे अनुसार कि जदों एक वारी लाहौर कोर्ट के फैसला नहीं सीगा हो रहा, तो उस वेले जूरी अंग्रेज जजा की सी, पांच जजा ने पूछा कि कोई सिख होएगा, उस वेले हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड नहीं सी। ये आचरण की भी गल मैं नाल करा कि गुरबाणी ये सिख धर्म दी खूबियां ये है कि जे गुरु नानक साहब महाराज जी ने उपदेश दिता ना किरत करो नाम जपो वंड छको, तो फिर गुरु साहब जी ने इस नूं कमाया भी, तो जेडे नास्तक लोग जेडे धर्म ते कटाक्ष करते ने जेडे रब नूं नहीं मानते जदों साडे बुलारे उत्थे जा के बोलते ने, तो जदों ये दसते ने कि सिखां दा ये विशेष गुण है जिहड़ा ये सादा जीवन है किरत करो नाम जपो वंड छको, तो वह भी कहिंदे ने आई बाई नानक सानू नानक मंजूर है। अज बहुत सारे दुनिया के जिहड़े गोरे लोग ने चाहे वह यहूदी ने ईसाई ने वह सिख बन रहे ने, गुरु नानक साहब महाराज जी ने किरत करो नाम जपो वंड छको केवल उपदेश दिता नहीं, आप उन्होंने कमाया भी है। तो मैं बेनती कर रहा कि गुरु साहब जी ने अपने जीवन में कमाया, उस जीवन में कमाउन करके मैं बेनती कर रहा कि सिखां दा इन्ना आचरण उच्चा हो गया, इन्ना जीवन उच्चा हो गया कि लाहौर दे विच जदों कोई फैसला होन लगा गवाहियां बराबर सन, पर क्या कि इत्थे कोई सिख गवाही देगा। तो हैरानी वाली गल ये है कि जदों एक सिख ने गवाही दित्ती तो फैसला उस पासे हो गया। ये सिख धर्म की खूबी है,
कि जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिखाया उस नूं सिखां ने अपने जीवन विच ढालिया, इस बाणी नूं अपने जीवन विच ढालिया। अज दुनिया दे विच सिख धर्म की गल जिहड़ी है वह इन्नी वड्डे पद्धर ते फैल चुकी है। डॉक्टर सवराज सिंह जी का लेख है कि दुनिया दे विच सिख 2 करोड़ नहीं 80 करोड़ ने। जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचारधारा बाणी नूं पढ़ता है वह वाह कर उठता है और सोचता है कि काश मैं सिख बन जावां, काश मैं इस अपने जीवन दे विच सिखी नूं अपना लवां जां सिखी का हिस्सा बन जावां। सो प्यारे बच्चिओ, सिख धर्म दीआं बहुत सारीआं खूबियां ने। सब तो वड्डी खूबी जिहड़ी है मैं आप जी दे नाल सांझी कीती है कि सानूं माण है कि साडे कोल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी है, साडे कोल महान परोपकारी विरसा है भाई कन्हैया जी का वर्गा, और साडे गुरु साहिब जी ने जो सिखाया उस नूं सिखां ने अपने जीवन विच ढाल के अज दुनिया दे विच जिन्ने देश ने हर देश दे विच केसरी निशान साहिब परचम झुल रहा है तो ये गुरु नानक साहिब जी की वडियाई है। जिथे भी सिख जाता है वह सेवा की दात नूं अपने नाल लैके जाता है। जिथे जिथे भी सिख बैठा है उसने सेवा कमा के दुनिया नूं दस्या विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसन पाईए। आ कोरोना की महामारी दे विच भी सिखां ने एड्डी वड्डी सेवा कीती है कि सिखां दे गीत बिहार विच, बंगाल विच, उड़ीसा विच, छत्तीसगढ़ ते महाराष्ट्र दे विच जिथों जिथों टैलीफोन आउंदे है कि सिखां ने बचाया सानूं, सिखां ने लंगर दिता। ते अमेरिका वर्गे कंट्री ने भी कह दिता कि हर शहर दे विच जिहड़ा एक गुरद्वारा होना चाहिए, कोई बंदा भुखा नहीं रहेगा। ये सिख धर्म दीआं खूबियां ने। भुल्लां दी खिमा गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की।